नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में जो है साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में, इस सेशन में आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। और ये इस पूरी सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट हम इस सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप सभी लोग पिछले पार्ट सीरीज के जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे, ताकि जैसे कोई नई अपडेट चैनल पर अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको जो है डेली क्विज देने का मौका मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनलों पर, जो आपके लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक या आपके स्टेट पीसीएस हो या आपका सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो या उत्तराखंड का कोई एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। वो क्विज जो है हमारे द्वारा टेलीग्राम में लिए जाते हैं एवरीडे, वो हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के हमारे लिंक दिए गए हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज को शेयर करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया होगा और लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के पार्ट 12 का। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन विवर्तन, बी ऑप्शन ध्रुवण, सी ऑप्शन व्यतिकरण और डी ऑप्शन आपका परावर्तन। कलर्स आर सीन बाय शाइनिंग व्हाइट लाइट ऑन अ सॉप बबल, दिस इज ड्यू टू ए ऑप्शन डिफ्रेक्शन, बी ऑप्शन पोलराइजेशन, सी ऑप्शन इंटरफेरेंस और डी ऑप्शन आपका रिफ्लेक्शन। तो आपने बताना है कि साबुन के बुलबुले पर जो है श्वेत प्रकाश जब उसमें डाला जाता है तो उसमें रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के कारण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण जो है, जब हम साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें सफेद प्रकाश डालते हैं तो हमें उसमें रंग दिखाई देते हैं, व्यतिकरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से, ऑप्शन नंबर बी है एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से, ऑप्शन नंबर सी है वह बर्फ जो हिमीकरण यंत्र से निक्षेपित होती है उसके कारण से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन रेफ्रिजरेटर कूलिंग इज जनरेटेड बाई ए ऑप्शन सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैसेस, ऑप्शन नंबर बी एवोपोरेशन ऑफ अ वोलाइटल लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी द आइस दैट इज डिपोजिटेड बाय अ फ्रीजिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि रेफ्रिजरेटर में जो है शीतलन जो है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण के कारण सडन एक्सपेंशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैसेज, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन जो होता है वो संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा कि शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कौन होगा? आपने बताना है ए ऑप्शन है सुचालक, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुचालक, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोधक और ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्धचालक। अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट 0 केल्विन टेम्परेचर विल बी ए ऑप्शन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस और ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर। तो आपने बताना है कि शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ इनमें से कौन होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कुचालक यानी कि इंसुलेटर होगा, जो शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि शून्य जो केल्विन ताप है उसमें जो क्या होगा अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगा, इसी कारण से क्या होगा एक कुचालक और अर्धचालक की भांति वो क्या करेगा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, ऐसा क्यों होता है? आपने बताना है
ऑप्शन नंबर ए द्रव से हल्की होती है गैस, ऑप्शन नंबर बी द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ऑप्शन नंबर सी सरलता से प्राप्त की जा सकती है, और ऑप्शन नंबर डी अपनी व्यवस्था में आसानी से नहीं बदलती है। गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस, ए ऑप्शन लाइटर देन लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी कैन बी ऑब्टेंड इजिली, ऑप्शन नंबर डी डज नॉट चेंज इजिली इन इट्स स्टेट। तो आपने बताना है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो कैसी होती है आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव की अपेक्षा जो गैस होती है वो अधिक प्रसार करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड जो होता है, इसी कारण से द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ल्यूमेन एकक है ए ऑप्शन ज्योति फ्लक्स का, बी ऑप्शन ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्ति घनत्व का, और ऑप्शन नंबर डी चमक का। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर ए ल्यूमिनस फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी इल्यूमिनेशन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑफ ब्राइटनेस। तो आपने बताना है कि ल्यूमेन जो है वो किसका एकक है, और आपके एग्जाम में जो यूनिट है ऐसा यूनिट वगैरह है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आप लोग इनको ध्यान में रख के चलेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का जो एकक होता है जो यूनिट होती है वो होता है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसकी क्या यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है आपका ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है, ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय फ्यूजन, और ऑप्शन नंबर डी तापायनी उत्सर्जन। व्हाट इज प्रोसेस इन्वॉल्व एज अ सोर्स ऑफ द सन एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी थर्मल एमिशन। तो आपने बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन के प्रक्रिया में निहित होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व एज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलोग्राम किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण को, ऑप्शन नंबर बी त्रिविमीय एमआरआई को, ऑप्शन नंबर सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को, ऑप्शन नंबर डी एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन को। व्हाट इज अ होलोग्राम, ए ऑप्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी 3D MRI, ऑप्शन नंबर सी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ अ 3D इमेज, ऑप्शन नंबर डी अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपने बताना है कि इसमें से जो होलोग्राम है वो किसे कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, होलोग्राम कहा जाता है। होलोग्राम इज अ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ 3D इमेज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि अभिक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए है अभिक्रिया के ताप पर, ऑप्शन नंबर बी है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है अभिकारकों को उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, और ऑप्शन नंबर डी है चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। द रिएक्शन हीट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन नंबर ए एट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी द पाथ थ्रू विच द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड, ऑप्शन नंबर सी द रिएक्टेंट्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपने बताना है कि इनमें से किस पे अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो निर्भर करेगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। द रिएक्शन ही डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए संश्लेषक, ऑप्शन नंबर बी क्रमवीक्षक, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी प्रतिदर्शित्र। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इन अ मिडी फाइल इज, ए ऑप्शन सिंथेसाइजर, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी सैम्पलर। तो आपने बताना है कि किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली
इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को क्या कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषक सिंथेसाइजर जो है उसे कहा जाता है, जो मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए शांत इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, ऑप्शन नंबर सी शांत प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर? ऑप्शन नंबर ए क्वाइट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी क्वाइट प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि द्रव्यों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, उस वो किसका प्रयोग किया जाता है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेजिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी इज एक्वा रेजिया। तो आपने बताना है कि उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, और इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर है, आई होप सभी को पता होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सभी को पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध जो है वो कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाजी आसवन के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है भापी आसवन के द्वारा। इम्प्योर कैम्फर प्योरिफाइड बाय ए ऑप्शन बाय सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर बी बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर डी स्टीम डिस्टिलेशन। तो आपने बताना है कि जो अशुद्ध कपूर होता है उसे जो शुद्ध करना होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी कि बाय सब्लिमेशन इम्प्योर कैम्फर प्योरिफाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशुद्ध कपूर को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जल दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु कैसा रहता है, आपने ये बताना है। ए ऑप्शन है समान रहता है, ऑप्शन नंबर बी बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी कम हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी बढ़ जाता है। व्हेन द वाटर प्रेशर इंक्रीजेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर बी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस। तो आपने बताना है कि जल दाब जब बढ़ जाता है तो उसका जो जल का क्वथन बिंदु होता है वो कैसा रहता है, आपने ये बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात की जाए तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब भी आपका जल दाब जो है वो बढ़ता है तो उसका क्वथन बिंदु भी बढ़ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। व्हेन द वाटर प्रेशर इंक्रीजेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ए ऑप्शन केवल लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी केवल ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज और लैक्टोज। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज ओनली, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो आपने बताना है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो बनता है आपका सुक्रोज के जल अपघटन से, क्लास 12th में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सीजन। ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपने बताना है कि शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये आज के सेशन का। तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या होता है
रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर है आयन विनिमय रेजिन तकनीक, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक, ऑप्शन नंबर सी उत्क्रम परासरण विधि, ऑप्शन नंबर डी बहुलक अधिशोधक। फिनोलिक्स एज पॉल्यूटेंट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम डर्टी वाटर बाय यूजिंग ऑप्शन नंबर ए लोन एक्सचेंज रेजिन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड और ऑप्शन नंबर डी पॉलीमर मॉडिफायर। तो आपने बताना है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आयन विनिमय रेजिन तकनीक, आयन एक्सचेंज रेजिन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से जो है आयन विनिमय रेजिन तकनीक के माध्यम से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि जल के BOD मान बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक कचरे की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। व्हाट इज द BOD वैल्यू ऑफ वाटर? ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल रिडक्शन, ऑप्शन नंबर डी अमाउंट ऑफ ओजोन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। तो आपने बताना है कि जल का OVD मान होता है वो इसमें से क्या बताता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जल का जो BOD मान है वो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। जो BOD वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो है इसको बताने के काम में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। स्टीम कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो आपने बताना है कि जो भाप अंगार गैस होती है वो इसमें से किसका मिश्रण होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो एक मिश्रण होती है वो कौन होती है? भाप अंगार गैस होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंथेस्थेटिक? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी आपका नाइट्रोजन। तो आपने बताना है इसमें से किसका प्रयोग जो है संज्ञाहारी यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रयोग है वो एक संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग जो है एक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है सिनेमिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एसिटिक अम्ल। विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप? ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सिनेमिक एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एसिटिक एसिड। तो आपने बताना है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल इनमें से क्या होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक एसिड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि हाइड्रोक्सी समूह का जो ऑर्गेनिक अम्ल है वो है आपका कार्बोलिक अम्ल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है। ए ऑप्शन है मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी एनिमेलिया, ऑप्शन नंबर डी प्रोटिस्टा। इन विच किंगडम यूनिसेल्यूलर यूकेरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड? ऑप्शन नंबर ए मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी एनिमेला, ऑप्शन नंबर डी
प्रोटिस्ट का। तो आपने बताना है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है आपके एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जो भी होते हैं उनको एक प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी साइनोजीवाणु, ऑप्शन नंबर डी डायटम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट इन डिटेक्टिंग डेथ ड्यू टू ड्रोनिंग। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर डी डायटम्स। तो आपने बताना है कि इनमें से वो कौन से समूह के जीव होते हैं जो ये पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो डूबने से हुई है या नहीं, उसके लिए किस समूह की सबसे ज्यादा महत्व है ये पता लगाने के लिए आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी डायटम। तो डायटम जो है इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई भी जीवों की जो है डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए डायटम का प्रयोग किया जाता है। डायटम समूह के जीव जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि पादप कली इनमें से एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन नंबर बी एक भ्रूणीय पत्ती, ऑप्शन नंबर सी एक भ्रूण पोष, और ऑप्शन नंबर डी एक बीज। प्लांट बट इज ए ऑप्शन एन एम्ब्रियोनिक ब्रांच, ऑप्शन नंबर बी एन एम्ब्रियोनिक लीफ, ऑप्शन नंबर सी एन एंडोस्पर्म, और ऑप्शन नंबर डी अ सीड। तो आपने बताना है पादप जो कली है वो इनमें से क्या है, प्लांट बड इज जो है वो आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भ्रूणीय टहनी, यानी कि एन एम्ब्रियोनिक ब्रांच जो है वो एक पादप कली है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन और चालन, और ऑप्शन नंबर डी चालन और श्वसन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद प्लांट्स इन द डार्क। ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपिरेशन एंड कंडक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्रक्रम है जो अंधकार के समय पादपों से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चालन और श्वसन जो है वो अंधकार के समय पादपों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जड़ से, ऑप्शन नंबर बी प्रकंद से, ऑप्शन नंबर सी पत्ती से, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुष्प से। टर्मरिक इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द करक्यूमा डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द रूट, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम द राइजोम, ऑप्शन नंबर सी लीफ, ऑप्शन नंबर डी फ्लावर। सो आपने बताना है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से जो है वो हल्दी प्राप्त की जाती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकंद से, फ्रॉम दी राइजम टर्मरिक इज ऑब्टेंड फ्रॉम करक्यूमा डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि करक्यूमा डोमेस्टिका के जो प्रकंद वाला भाग होता है उससे हल्दी प्राप्त करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मुख से, ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर सी पादों से, और ऑप्शन नंबर डी उदर के पश्च भाग से। फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी स्पाइडर्स मेक वेब्स। ऑप्शन नंबर ए बाय माउथ, ऑप्शन नंबर बी सेलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम द फीट, ऑप्शन नंबर डी पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। तो आपने बताना है कि अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से जो है मकड़ियां जो है वो जाल बनाती हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उदर के पश्च भाग से, यानी कि प्रोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन से जो है मकड़ियां जो है उससे निकले स्त्राव से जाल बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका यकृत। विच ऑर्गन इज कॉमनली अफेक्टेड बाई एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी लंग, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी इज लिवर। तो आपने बताना है कि मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा वो अंग है जो प्रभावित होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। तो लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि एफ्राटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा जो है यकृत जो है प्रभावित होता है। लीवर इज कॉमनली अफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टालिसिस, ऑप्शन नंबर सी संवहन और ऑप्शन नंबर डी अधिश्लेषण। द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड ए ऑप्शन डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टाल्सिस, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन और ऑप्शन नंबर डी इज सिंथेसिस। तो आपने बताना है अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन जो है वो क्या कहलाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका पेरिस्टाल्सिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरिस्टाल्सिस जो है अमाशय की दीवार का पेशी संकुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी श्वेत कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी यकृत कोशिकाएं और ऑप्शन नंबर डी बिंबाणु। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट अ ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर ए आयरन सेल्स, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट सेल्स, ऑप्शन नंबर सी लिवर सेल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लेटलेट्स। तो आपने बताना है इनमें से वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्त की कोशिकाएं नहीं है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका यकृत कोशिकाएं। यकृत कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। लिवर सेल्स आर नॉट अ ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोहित कोशिका, श्वेत कोशिका और बिंबाणु जो है वो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं होती हैं। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को जो आज का सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा, और इस सीरीज से रिलेटेड आपके जो फीडबैक है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और आपको अगर सीरीज से कुछ और चीजें इसमें नहीं ऐड करवानी है तो वो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में से आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप हमें फॉलो करके हम जो आपके साथ डेली करंट अफेयर रिलेटेड जो न्यूज होती है वो शेयर करते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।